नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 9, हिंदी। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित चैप्टर पथ की पहचान कर ले, इस चैप्टर को लेकर मैं उपस्थित हुआ। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे जिस पद में हमें जीवन यापन के लिए, मनुष्यों के को आगे बढ़ने के लिए, अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। उन्हें कठिनाइयों से हमें नहीं घबराना चाहिए, ऐसे ही अन्य महापुरुषों के आदर्श से हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बटोही में सोता है पथिक। क्या होता है बच्चों? पथिक, ठीक है। बाट की पहचान कर ले, अर्थात मार्ग की पहचान कर ले या रास्ता, ठीक है। कहते हैं, चलने से पहले हे पथिक, अपने उस रास्ते की अच्छी तरीके से पहचान कर ले, क्योंकि उस रास्ते के बारे में पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। किसी भी पुस्तक में इसके बारे में कोई भी कहानी नहीं लिखी गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। इसके बारे में हमें स्वयं ही ज्ञात होता है, औरों के मुख से इसके बारे में कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलती। फिर भी अनगिनत रहाई गए इस पर, अनेक लोग इस पर आए हैं और गए हैं, राह पर इसके उनका पता क्या, कि पता नहीं कितने लोग इस राह पर गए हैं, इस रास्ते पर गए हैं, राही उनका पता हमें नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यानी कुछ लोग इस रास्ते पर होकर गुजरे हैं पर वो अपने पैरों की निशानी छोड़कर गए हैं। यह निशानी, जो रास्ते पर निशानी छोड़कर गए हैं बच्चों, यह निशानी मुक होकर यानी शांत होकर चुपचाप होकर क्या कह रही है, भी बहुत कुछ बोलती है, अर्थात बहुत कुछ बताती है। खोल इसका अर्थपंथी, इसके बारे में तू जान, पथ का अनुमान कर ले, इसलिए उस रास्ते का अच्छी तरीके से अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे पथिक, रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की अच्छी तरीके से पहचान कर ले, क्योंकि उसके बारे में किसी भी पुस्तक में नहीं छपा है। उसके बारे में हमें स्वयं ही ज्ञात करना होता है, जानकारी प्राप्त करनी होती है। फिर भी उस पे बहुत सारे राही गए हैं, केवल उन राहियों का हमें पता नहीं है, केवल उनके पैरों की निशानी रह गई है। उन निशानियों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसलिए उसकी जानकारी हमें सही तरीके से कर लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, कि यह अच्छा है या बुरा है इस पर हमें अपना दिन नहीं बिताना, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पथ पर पग बढ़ाना, यह भी ना सोचे कि असंभव है दूसरे पथ पर आगे पग बढ़ाना, अर्थात कदम बढ़ाना। तू इस अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। केवल तू इसी रास्ते को अच्छा समझ, इसलिए तेरी यात्रा क्या बनेगी, सरल बनेगी। अच्छा है बुरा इसके बारे में बिल्कुल ना सोच, इसलिए अपने कोई विचार ना कर, अपना दिन व्यतीत मत कर। असंभव भी नहीं है इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर पग बढ़ाना, इसलिए इसे अच्छा समझ और यात्रा तेरी क्या होगी बच्चे, आगे सरल बनेगी, ठीक है। आगे कहते हैं, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, ऐसा बिल्कुल मत सोच कि केवल तुझे ही कष्ट पड़े हैं इस रास्ते पर। हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वह इसी विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ आई हैं। तू ही इस पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले और अपने मन को इस पे पूरी तरीके से लगा दे, ठीक है। अपना चित्त मतलब क्या होता है बच्चों? मन, ठीक है। अवधान मतलब लगाना, ठीक है, ध्यान लगाना, ध्यान जिसे कहेंगे, ठीक है, लगाना क्या, ध्यान। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसलिए यात्री हे पथिक, तू अपने इस रास्ते पर चलने से पहले इस रास्ते की अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ले, उसकी पहचान कर ले, क्योंकि इस पे बहुत सारे पथिक गए हैं, उन्हें भी कष्ट हुआ है, उन्होंने भी जीवन को यहीं से सफल बनाया है। चलिए, है अनिश्चित किसी जगह पर, कोई निश्चित नहीं है। सरित मतलब नदी, गिर पहाड़, गहवर में सोती है क्या होते हैं बोलते हैं इसे, गुफा, ठीक है, आदि। है अनिश्चित किसी जगह पर, बाघ वन सुंदर मिलेंगे। कहते हैं कोई निश्चित नहीं है, तुझे कहाँ पर नदी मिले, कहाँ पर पहाड़ मिले, कहाँ पर तुझे गुफाएं मिले, है निश्चित, कोई निश्चित नहीं है, तुझे वन मिले, उपवन मिले, सुंदर वन मिले, ठीक है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाए, ये भी निश्चित नहीं है।
यह भी अनिश्चित है कि निश्चित कब सुमन कब कांटे के सर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि तुझे कहाँ पर तेरी यात्रा समाप्त हो जाए, यह तुझे कहाँ पर फूल मिल जाए, कहाँ तेरे कोई कांटा चुभ जाए, यह भी निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाए, तेरा साथी कोई बीच में छूट जाए, कोई अपना व्यक्ति तेरे साथ छूट जाए, मिलेंगे कौन सहसा, या कोई पराया भी तेरा अपना हो जाए। आ पड़ा कुछ भी रुकेगा नहीं, इस जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगे फिर भी तू रुकेगा नहीं। तू न ऐसी आन कर ले, इसे व्यक्ति तू अपने मन में ऐसी विचार बैठा ले कि तुझे रुकना नहीं है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, कि हे यात्री चलने से पहले उस रास्ते की अच्छी तरीके से पहचान कर ले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। हमें स्वप्न आने चाहिए, हमारे मन में स्वप्न आने चाहिए। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, सब लोग अपनी अपनी उम्र के अनुसार सब स्वप्न को देखते हैं। और तू कर यत्न भी, तू प्रयत्न कर, मेहनत कर, मिले नहीं सकती सफलता, मिल नहीं सकती सफलता। यह हृदय होते हैं लिए कुछ भी ध्येय नैन नयन के नियल में, अर्थात जो स्वप्न हम देखते हैं उसमें हमें प्रयत्न करना चाहिए, फिर भी हमें वो सफलता नहीं मिलती है। ऐसा हृदय में अपनी आंखों में हम विचार कर ले, किंतु जग के पंथी पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, सो स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कि जो भी स्वप्न देख रहे हैं उसको सत्य नहीं मानना चाहिए, सत्य को 100 बार जानना चाहिए, जानने के पश्चात उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। हे पथिक, स्वप्न देखने चाहिए, समय के अनुसार देखने चाहिए, सबको उम्र के अनुसार स्वप्न आते हैं, और इन स्वप्नों के ऊपर तुझे सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि सफलता हमें अपने कर्म के माध्यम से ही मिलेगी। ठीक है, आगे क्या कहा। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, हे पथिक चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वप्न का दृग, कारकों में दीप्ति आती है, पंख लग जाते हैं पगों को, लगती उन्मुख जाती है। स्वप्न आने के बाद स्वर्ग सा महसूस होता है, हमारे मन के अंदर ज्योति सी जल जाती है, हमारे पंख से लग जाते हैं, हमारे हृदय लालायित होता है, उत्सुकता से भर जाता है, हमारी छाती प्रसन्नता से भर जाती है। रास्ते का एक कांटा, जब उस रास्ते में एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, जब कांटा पाँव में चुभता है तो हमारे दिल के अंदर भी एक दर्द पैदा कर देता है। और रक्त की दो बूंद जब गिरती हैं, खून की जब दो बूंद गिरती हैं बच्चों, तो एक दुनिया सी डूब जाती है। मानो वो डूबी दुनिया सी हमारे पैरों की जब कांटा चुभा है, उसकी जो दो बूंद है हमारे जब गिरती हैं तो पूरी दुनिया को डुबो देती हैं। आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, हमें स्वर्ग में उड़ना तो चाहिए पर पैर हमारे जमीन पर टिके ही होने चाहिए बच्चों। ठीक है, कंटकों की हमें इस अनोखी सीख से कि पैर सम्मान कर ले, उस कांटा चुभने की सीख से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब कांटा हमारे पैर में चुभता है तो हमें दर्द एहसास कराता है, और वो दर्द की जो होता है वो हमारे दिल तक चोट पहुँचाता है। उसकी एक दो बूंद जब पैर से निकली हुई होती है तो पूरी दुनिया को डूब जाती है। ठीक है बच्चों, हे पथिक चलने के बटो ही बाट के पहचान कर ले। इस प्रकार से व्यक्ति को उन कठिनाइयों का सामना करते हुए, इस रास्ते पर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन जब ही सफल बन सकता है जब जीवन में हम आगे बढ़ने की मन में ठान लेंगे, उन कठिनाइयों को दूर करने की ठान लेंगे, तो हमारा जीवन अवश्य ही सफल होगा बच्चों। इस प्रकार से इस चैप्टर में जो हरिवंश राय बच्चे जी ने हमें जो दिया है, इस चैप्टर को हमें ध्यानपूर्वक समझना है, और समझने के पश्चात हमें इसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।